आते जाते कुछ भी तोहफा दे गए मुझे। देखिए वो व्हाइट स्वेटर पहनी, स्वेट शर्ट और मेहंदी लगा के और उस पे डाल दिया और पीछे पूरा व्हाइट का हमारा चल रहा है फोटो शूट और स्पेशल पंजाब से हमने बुलाए हैं शूटिंग के सपोर्ट करेंगे फिर इसके ऊपर फिर लगाएंगे। ये हमारी घर की पुदीने की हरी चटनी बनके भी तैयार हो चुकी है। तो शुरू हो चुका है एक नया दिन और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग से और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सड़क से क्योंकि जो मनीष भैया हिमांशु भैया आए थे वो वापस जा रहे हैं और हमारे जो बुआ हैं वो भी जा रहे हैं और ताई जी भी जा रहे हैं तो सब के सब वापस जा रहे हैं और मैं कल अपने ब्लॉग में मामा जी को लाना भूल गया था तो ये हमारे मामा जी मामा जी हेलो कर दो। हेलो हेलो मामा जी पंजाबी पंजाबी में क्या बोलते हैं हेलो सत श्री अकाल। अरे बड़ी जाते जाते कुछ तोहफा दे गए मुझे। ये माया है बड़ी बिल्कुल दीदी इमोशनल नहीं हो रहे जाते टाइम यहाँ पे ऐसा ही होता है मतलब एक इंसान जाएगा तो उसको छोड़ने के लिए 10 लोग आते पीछे से क्योंकि बहुत टाइम जा चार रहे पांच यहाँ पे 10 ले रखे। बड़ी अब कब आओगे घर बर्फ देखने अच्छा अभी बैठी को यहाँ की ठंड अभी सह नहीं हो रही तब तो हो गई बहुत हमको खुद लग रही है ठंड और सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है अभी सुबह के 7 ही बज रहे। देखो बड़ी जाते जाते कहीं मेरी फोटो खींचो जाओ जाओ बड़ी बाय 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 कौन जाओ कौन कौन रहा दीदी ऐसे मैं नहीं जा रही फिर वो भी जा रही है फिर बैग अच्छा मुझे लगा बुआ भी जा रही है मुझे लगा बुआ भी जा रही है ये अच्छा बुआ भी यही है सुबह सुबह अभी सो के उठे मुंह ऐसे हो रखे ना ये देखो जाते टाइम से अभी इमोशनल हो चुके हैं भेज बाय 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 भेजी मुखड़ी भेजी बाय भेजी मांस भेज बाय। और दीदी बुआ और मामा जी परसों जाएंगे मतलब 2-4 दिन बाद तो उनको थोड़ा यहाँ अच्छे से घुमा देंगे फिर जाएंगे। तो चलो बहुत ठंड लग गई आज सुबह सुबह बाय बेटी बाय हाँ ठीक है बिल्कुल बाय बाय अब हो गया बाय बाय सभी लोग चले गए हम रह गए अभी अभी वो लोगों को घुमाएंगे यहाँ ऊपर नीचे कहीं अच्छे से वो तब जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो आज की ये सुबह सभी लोग एक साथ चाय पी रहे हैं और ये टाइम पता नहीं कब आता है दोबारा एक साथ चाय पीने का क्योंकि बुआ लोग अब पता नहीं कितने टाइम बाद आएंगे घर और दादी भी अब सर्दियों में वापस चले जाते हैं दिल्ली और इसलिए हम सब सुबह बैठ के चाय पी रहे हैं। दादी अभी जाने वाले हमारे साथ अब भी बुखार आप भी कान तू भी चल फिर मेरे साथ। आज जो है बिल्कुल भी धूप नहीं आई थोड़ा थोड़ा कहीं पे दिख रही है और पीछे की जो पहाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं और सुबह सुबह हेलीकॉप्टर भी लग गए चलने और मौसम की एक झलक आपको दिखाते हैं कि कैसा है आज का मौसम। तो अभी मम्मी निकाल रही है दीदी मामा जी बुआ के लिए अरबी के पत्ते जिसको कि हम पत्यूर बोलते हैं और मामा जी पंजाब में नहीं होते ना तभी दीदी इतना एक्साइटेड हो रही इनको खाने के लिए कब बनाओगे दिन में। तो आज वो स्पेशल पत्यूर खाने वाले हैं हम और इन्होंने
इन्होंने कर दिया है बहुत बड़ा झमेला। क्या किया वो बताएंगे क्या किया इन्होंने, इसने दीदी की वो व्हाइट स्वेटर पहनी, स्वेट शर्ट और मेहंदी लगा के और उस पे डाल दिया और पीछे पूरा व्हाइट कलर लाल कर दिया पूरा। और इनकी तैयारी चल रही है अभी फोटो शूट करने की, ये कह रहे इंस्टा के रील बनानी इनको, तो हम आज फोटो शूट करने वाले अच्छे से। और तब तक हमारी बुआ हमारे लिए पत्यूर बनाने वाली अरवी के, और फिर आएंगे हम तब तक, फिर आपको बताएंगे कि सामान क्या क्या चाहिए। हाँ धनिया तो खैर अभी छोटा है, तो चलो फिर पत्यूर खाएंगे फिर आपको वो भी दिखाएंगे। हमारा चल रहा है फोटो शूट और स्पेशल पंजाब से हमने बुलाए हैं शूटिंग के। तो आज बुआ और दीदी और ये भी तैयार हो रखी है मेरी बहन, और दोनों बहनें और बुआ सब लोग मतलब आज शूट करने के फुल मूड में है, और आज इनकी रील भी बनेगी और मेरे फ़ोन से बनेगी, इसलिए इनकी थोड़ा रील बनाते हैं। एक शूट इनका पूरा हो चुका है, अब सेकंड राउंड के लिए हम दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। यूट्यूब चैनल सच की जुबान को सब्सक्राइब कीजिए। इनका शूट भी पूरा हो चुका है लगभग, और पूरा एक घंटा लिया इन्होंने शूट करने में, और बुआ हो गई ये दोनों हो गए, इन्होंने बहुत टाइम लिया। और चलो अब घर चलते हैं क्योंकि एक बज चुके हैं और खाना खाने का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं घर। तो हमारे पत्यूर बनना शुरू हो चुके हैं और आज बुआ बना रहे हैं पत्यूर, तो अब इन पत्तों में एक एक करके ये हमने एक लेप बनाया है और इसी को इसमें लगा रहे हैं, तब इनकी लेयर बनाएंगे उसके बाद इसको कुकर में रखेंगे। जितना हम इसको छोटी लेयर बनाएंगे इसकी उतने अच्छे से पकेंगे और उतने ज़्यादा टेस्ट होंगे। इसको ऐसा फोल्ड करेंगे फिर इसके ऊपर फिर लगाएंगे। बाहर से भी हमने मसाला पेस्ट बनाया ना, इसको अच्छी तरह तो इसके अंदर लकड़ी रखी जाती है, लेकिन हम चम्मच का यूज ज़्यादा कर रहे हैं, तो नीचे हम कुकर में चम्मच रख देंगे इस पर, और पानी डालेंगे और साथ में पानी डाल देंगे और फिर पकाएंगे इनको भाप से। तो जैसे बुआ ने अभी ये बनाया है ना, तो इसी की तरह हम सारे इनको बनाएंगे और तब इस कुकर में रखेंगे। इसमें हमने डिस्पोजल प्लेट रखी क्योंकि चम्मचों में फिरने तो उसका मसाला नीचे पानी में जाएगा ना, और चिपकने का डर नहीं थी इसमें से। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं हमने इनको यहाँ से ठेस दिया है, ये तो यहाँ से उठे रहते हैं और पकने में भी आसानी हो जाती है। ये हमारी घर की पुदीने की हरी चटनी बनके भी तैयार हो चुकी है। हमारे पत्यूर बनके तैयार हो चुके हैं और इनसे बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, और असली टेस्ट का पता थोड़ी देर में चलेगा जब हम इनको फ्राई करेंगे। अभी मौसम पूरा बारिश वाला हो गया है और मामा जी निकाल रहे हैं यहाँ पे परवल, ठंड भी लगे अच्छा। तो ये है पहाड़ी परवल, इसकी बड़ी प्यारी सब्जी बनती है और जब स्टार्टिंग में खाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी शुरुआती इनको लगने की और ऊपर से बारिश की बूंदें शुरू हो चुकी हैं हल्की हल्की लगनी, इसलिए मामा जी सब्जी तोड़ रहे हैं शाम के लिए। बन चुके हमारे पत्यूर, दीदी टेस्ट करो कैसे, ग्रीन चटनी के साथ बढ़िया हो रहे हैं मामा जी, कैसे बने पुदीना धनिया की चटनी एकदम टॉप ऑफ टॉप, बहुत बढ़िया।
अभी मैंने नहीं किया टेस्ट, बढ़िया बने। तो अभी वैसे 5 बज रहे हैं और साथ में चाय भी पी रहे हैं हम इनके साथ, तो खाते हैं इनको जिन्होंने बनाया वो स्पेशल। तुम्हें चाय है? अभी चाय नहीं, थोड़ा ऐसे हो रहा है, टेस्ट देखा अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश होने वाली है। देख तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसा बारिश में आप हो भी क्या सकता है, और वैसे भी 5:30 बज चुके हैं। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।